अल्लाह ताला तुम्हें ताकीदी रूप में देता है, अमानत वालों की अमानतें उन्हें पहुँचाओ, और जब लोगों का फैसला करो तो अदल इंसाफ से फैसला करो। यकीनन वो बेहतर चीज़ है जिसकी नसीहत तुम्हें अल्लाह ताला कर रहा है। बेशक अल्लाह ताला सुनता है, देखता है। ऐ ईमान वालों, फरमा बरदारी करो अल्लाह ताला और फरमा बरदारी करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और तुम में से इख्तियार वालों को कि फिर अगर किसी चीज़ में इख्तराब करो तो उसे लौटाओ अल्लाह ताला की तरफ और रसूल की तरफ। अगर तुम्हें अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान है, ये बहुत बेहतर है और बलकार बतबार अंजाम भी बहुत अच्छा है। क्या आपने इन्हें नहीं देखा जिनका दावा तो यह है कि जो कुछ आप पर और जो कुछ आपसे पहले उतारा गया इस पर इनका ईमान है, लेकिन वो अपने फैसले अगर अल्लाह की तरफ ले जाना चाहते हैं। हालांकि इन्हें हुक्म दिया गया शैतान का इनकार कर, शैतान भी ये चाहता है कि इन्हें बहका कर दूर डाल देते। इनसे जब कहा जाए, जब कभी कहा जाए कि अल्लाह ताला की नाज़िल करदा कलाम की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आओ तो आप देख लेंगे ये मुनाफिक आपसे मुँह फेर कर रुके जाते हैं। फिर क्या बात है जब इन पर इनके करतूत के बाइस कोई मुसीबत आती है तो फिर ये आपके पास आकर अल्लाह ताला की कस्में खाते हैं। हमारा इरादा तो सिर्फ भलाई और मेल मिलाप का ही था। ये वो लोग हैं कि इनके दिलों का भेद अल्लाह ताला पर बखूबी रोशन है। आप इनसे चश्मपोशी कीजिए, इन्हें नसीहत करते रहिए, इन्हें वो बात बताइए जो इनके दिलों में घर कर दिया। हमने हर एक रसूल को सिर्फ इसलिए भेजा कि अल्लाह ताला के हुक्म से इसकी फरमाबरदारी की जाए। अगर ये लोग जिन्होंने जब इन्होंने अपनी जानों रसूल को किया था तेरे पास आ जाते और अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते, रसूल भी इनके लिए इस्तग़फ़ार करते। यकीन है ये लोग अल्लाह ताला के को माफ़ करने वाला मेहरबान करते। सो कसम है तेरे परवरदिगार की, ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक के तमाम आपस के इख्तलाफ में आपको हकम न माने। फिर जो फैसला आप इन पर कर देंगे इनसे अपने दिल में किसी तरह की तंगी और नाखुशी ना पाए और फरमा बरदारी के साथ कबूल अल्लाह तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है अमानत वालों की अमानतें नहीं पहुँचा, और जब लोगों को फैसला करा तो आप इंसाफ से करो। यकीनन वो बेहतर चीज़ है जिसकी नसीहत तुम्हें अल्लाह कर रहा है। बेशक अल्लाह ताला सुनता है और देखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो जिंदगी गुजारने के लिए हमारी इंफिरादी और इज्तमाही जो जाबते थे, जो कायदे थे, ये इस कदर बेहतरीन है कि अगर इसके ऊपर हम अमल करें तो फसाद से, बिगाड़ से समाज और माशरे में इस इंसान और दोनों से बचे, और अगर इससे गुजरदानी करें तो मुसीबत और तकालीफ से हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह अहकाम इसलिए बयान फरमाए
तीन अहकाम पर अमल किया है। आदमी की जिंदगी में जब कोई मरहला हो तो वो कुरान हदीस की तरफ रुजू करे कि अल्लाह ने इसने क्या हुक्म दिया है, रसूल की तालीमात क्या है। और अगर आदमी में ये मिजाज हो जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानी भी कर देता है, उसके लिए बहुत आसान हो जाता है अमल करना। बात को बड़ा मुश्किल लगता है दीन पर अमल करना, ये इसलिए कि दीन से दूरी है उसे। अल्लाह के नबी ने शब्द में या बंदाई होने सुबह जब होता है तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं, शैतान का दूसरा रहमान का। वो जिस रास्ते की तरफ कदम बढ़ाता है अल्लाह ताला राह ही खोल देता है, मतलब आसानी में अपना चला जाता है। एक आदमी अगर ताहिया करने में महराम नहीं कमाऊंगा नहीं खाऊंगा तो हालात में रोजी नहीं देता है। लेकिन एक आदमी ऐसा होता है जिसका मामला ढुलमुल होता है तो कहेगा कि अगर ये सब ना करें तो तरक्की कैसे करें। मार्केट में खड़े के 100% पेश करेगा तो आदमी जिस तरफ जाता है अल्लाह ताला उसकी तरफ उसी तरफ उसको डाल देता है। यहाँ भी अल्लाह ने बड़े जामे अहकाम दिए, ये अहकाम घरेलू जिंदगी से लेकर समाज और माशरे की जिंदगी, इदारों की जिंदगी, हुकूमत और जिम्मेदारों की जिंदगी, हर जगह ये काम करती है। ये जो अहकाम कोई इससे मुस्तस्ना नहीं है, किसी ना किसी हालत में उसके सामने ये चीज़ आती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनसे मुस्तस्ना होते हैं, वरना किसी ना किसी हैसियत में ये चीज़ होती है। पहली चीज़ नवाया मुरम्मत और तुरा बनाते जा रही है, अल्लाह ताला तुम्हें ताकीद ही हुक्म देता है, अमानत वालों की अमानतें ही पहुँचाओ। इस आयत के शान नज़ूल में एक वाक़िया बड़ा मशहूर है जो मुफस्सिरीन ने अक्सर नकल किया है। एक सहाबी थे हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, इनका मामला यह था कि काबतुल्लाह जो है उसकी कलील बरकारी यानी कुंजी इनके कबीले की तरफ सब पास थी। असल में मक्का का जो निज़ाम था तो मुख्तलिफ कबीलों में आपस में मुआहदा करके ये तय कर लिया था कि फला जिम्मेदारी तुम्हारी, फला तुम्हारी, फला तुम्हारी। जैसे कुरैश थे अल्लाह के नबी का जो कबीला था उनकी जिम्मेदारी थी सहाया हाथियों को पानी पिलाना, पिलाना पानी पिलाना ये उनकी जिम्मेदारी। तो ऐसे इनकी जिम्मेदारी थी कलील बरकारी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले एक मरतबा काबतुल्लाह में जाकर के नमाज पढ़ना चाहेंगे। उस्मान बिन तलहा ने काबतुल्लाह का दरवाजा बंद किया और चाबी गले में खेलते हुए कहा यह हमारा इख्तियार किसे चाहिए। जो वाकया अल्लाह के नबी के साथ हजरत उस्मान बिन तलहा सुलह हुदैबिया के मौके सन 6 ईमान लाए और फतेह मक्का 8 हिजरी में, 7 हिजरी में गज़वा खैबर और 8 हिजरी में फतेह मक्का। फतेह मक्का के मौके पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मक्का के अकेले तन तना अकेले मक्का फतेह हो गया, 8 मुसलमानों के रसूल सरदार सब कुछ आपके जहन में ही आ गया सारा इख्तियार आपके पास। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने आकर के दरख्वास्त की है अल्लाह के नबी काबतुल्लाह की चाबी भी आप हमें दे दीजिए। हजरत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलवाया गया, वाकया तफसीलन याद रखिए। हजरत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु जब आए तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि चाबी हमको दे दीजिए। हजरत अली आपके दामाद थे, आपके चचेदार भाई थे और अव्वलीन मुसलमानों में जिंदे बेशुमार को बन गए आपके इस्लाम के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई करीबी साथी हो, रिश्ते भी थे दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने कहा कि काबतुल्लाह की चाबी अगर मिल जाएगी तो हमारा कबीला कबीला है कुरैश को दो दो इज्जत एक साथ जमा हो जाएगा, पूरे कबीले की इज्जत हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने हजरत उस्मान की तरह अब्दुल्ला को चाबी लौटा लेने के बाद और आपने ऐसा तो है आज वफा का दिन और फिर यही आयत तिलावत की नवाया मोहम्मद और तिलमाते लाली अल्लाह तुम्हें ताकीदी हुक्म करता है अमानत वालों की अमानतें उन्हें पहुंचाओ। अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए और ये सिर्फ यहीं तक महदूद रहेंगे ये चीज, बल्कि किसी भी शख्स के पास कोई अमानत हो तो पूरे दयानतदारी के साथ उस अमानत को लौटाना है।
अगर किसी ने कुछ रखा है उसके पास तो जितना जैसा रखा है उसी तरीके से उसको रखना है। ये भी है कि अगर कोई आदमी कहीं मुलाजमत करता है और मुलाजमत करते हुए ड्यूटी नहीं कर रहा है, यह अमानत में क्या है? तनखा पूरी है। ये भी है कि कोई शख्स अगर बच्चों को तालीम दे रहा है, टीचर है, उस्ताद है, मुअल्लिम है, और बच्चों को तालीम नहीं दे रहा, यह अमानत में क्या है? बच्चे कौम की अमानत है जो उसके पास दिए गए हैं। और अमीर आदमी को बच्चों को जो देना है उसके पास जो इल्म है वो उनको लौटाना है, वो नहीं देना है, ये ख्याल। अब इसको सब जगह आदमी जोड़ता चला जाएगा, ऐसे की अमानत में खयानत होगी। अगर कंबाइंड फैमिली में किसी के हाथ में कारोबार है और उसके हिसाब देना है, लेकिन चुपके से वो हिसाब में कुछ फर्क कर ले रहा है, वो अमानत में खयानत है। अगर सबके साथ इंसाफ करना है लेकिन घर में किसी के साथ बेइंसाफी करना है, यह अमानत में खयानत है। अगर किसी इदारे में जिम्मेदार है और एक बासलाहियत आदमी उसकी नजर में है कि अगर इसको ये काम दिया जाए तो इस पूरे काम को संभाल लेगा, लेकिन उसकी बजाय अपने किसी अजीज गरीबी रिश्तेदार अपनी पसंद का आदमी, जैसे हमारे यहाँ जुमला कहा जाता है ना, कान के नीचे बच जाए, जो उसकी हर वक्त सिर्फ तरफदारी करे और उसकी चापलूसी करता रहे, ऐसे शख्स को दे दिया यह अमानत में खयानत है। तो सब इसमें दाखिल है। अल्लाह ताला ने कहा ताकीदी हुक्म अल्लाह को करता है, अमानतें अमानत वालों की अमानतें इन्हें पहुंचाओ, यह अमानत है। एक शख्स अगर जिम्मेदार होता है तो वो इदारे को संभाले, मस्जिद में अगर जिम्मेदार है तो यह अमानत है, ये ओहदा अमानत है। अब इस मस्जिद की आबादी और इस मस्जिद में बेहतर से बेहतर मुसल्लियान के लिए इंतजाम करना, ये तमाम चीज़ें। अब एक आदमी जिम्मेदार बनने के बाद सिर्फ वो पाबंदी आयद कर रहा है, ये खयानत है। अल्लाह क्या करे, आदमी जब चाहे जाके घर में आकर के नमाज पढ़े, मसाइल नहीं बताना है, मसाइल को हल करने के लिए आपको बिठाया गया है। तो ये तमाम चीजें अगर एक आदमी किसी ओहदे पर है, किसी जिम्मेदारी पर है, एक आदमी अगर मुलाजमत पर है, एक आदमी समाज और माशरे में कुछ अगर कोई शर्त उसके पास रखता है वो है, एक आदमी अगर पास राहियत और उसको काम नहीं दिया जाता है, ये सारी चीजें अमानत में खयानत में दाखिल है। और बड़ा अफसोसनाक पड़ रहा है कि हमारे यहाँ ये खयानत करने वाले कायम नहीं, साहिब कहलाते हैं, आली जनाब आम मोहतरम कहलाते हैं। इदारों में देखिए, इदारों में जब टीचर से की भर्ती की बात होती है तो वहां पर डोनेशन कौन शब्दों कितना दे सकता है, जबकि बासलाहियत टीचर्स बुलाना, क्योंकि कौम की अमानत जो बच्चे हैं, जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, तजारत की गरज से उनके वालदैन ने भेजते हैं, और हमने भी बोर्ड और तालीमी अदारे का लगा करके रखा है, तजारती अदारे का नहीं। तो इसलिए बेहतर से बेहतर जो टीचर्स है उसका इंतखाब करना, वरना कौम के साथ खयानत करता है। एक डॉक्टर है, मरीज उसके पास आए और वो बिना वजह के टेस्ट करा रहा है, ये अपने पेशे के साथ खयानत कर रहा है। मरीज आया, जो जरूरतें हैं, जो तकाते हैं उसके मुताबिक ही उसे हर जगह एक चीज आती है, घरेलू जिंदगी से लेकर इज्तिमाई और सामाजिक जिंदगी तक। हम जब वोट डालते हैं ये भी एक अमानत है, हम वाकई ऐसे शख्स का इंतखाब करते हैं और देते हो तो जो माशरे के मसाइल को हल करने के लिए निर्धारित संजीदा कोशिश करे और अपनी सारी सलाहियतों को भरोसे कार लाए, उसका मकसद ये है। यह चंद रकों में अपने वोट को भरोक्त कर देते हैं, यह खयानत ना है। शख्स को एक हमारा बड़ा करीबी ताल्लुक का शख्स आ गया, दोस्त तो है, अब उसको कैसे ना बोल दें, बड़ी अहम चीज है। ये तमाम चीजें अगर ना हो तो माशरे में बेशुमार मसाइल ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़िए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोगों को जिम्मेदारियां दी है वो अपने कबीले, अपने करीबी, अपने रिश्तेदारों को नहीं भा सलाहियत। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला के हाथ पे झंडा दिया, कैसे अजीम से सलाह,
हजरत मसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को काजी बना करके मदीना भेजा। आज तारीख पढ़ के दोपहरी कहा जाता है उनको। एक दिन में असर से मगरिब की नमाज के दरमियान दो कबीले आपके ऊपर ईमान लाए, दो कबीले मदीना के हर जाता कि साफ पहुंचा। अल्लाह के नबी जमा दोनों में हजरत अबू सर जुफारी रज़ियल्लाहु अन्हु ये देखिए अमानत अबू सर जुफारी रज़ियल्लाहु अन्हु को बारे में इरशाद फरमाया, सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तुलू हो जाए, दुनिया अबू सर के इंसान ने बिल्कुल अकेले इनकी मौत हुई, बल्कि इनकी वफात पर इन्होंने अपनी अहलिया से कहा कि मुझको गुस्सा दे करके मेरा लाशा रास्ते पर रखे, एक काफला यहाँ से गुजरेगा अल्लाह के नबी पूरी अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अपने साथियों के साथ हज करने के लिए जा रहे थे। आपने रास्ते में एक लाश देखी रखी हुई और एक खातून वहाँ बैठी हुई, अपने सर को ढाक चेहरे को ढाके हुए आकर पूछा, कहा अल्लाह के वास्ते रुक जा ये अल्लाह के वास्ते, और इनका तदफीन कर दी। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब सवारी सुनते और आपने हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा तो आपकी आँखें अश्कुमार हो गई अपने भाई को देख कर, क्योंकि ये पूरी चीज आप जानते थे अल्लाह के नबी की तशरीफ हुई। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब साथी की नमाज पढ़ाई तकबीर सवारी की तो अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खाने का नज़्म करवाया था अपनी अहलिया से, कहा कि खाने का नज़्म करना और उन लोगों को खाना खाए बगैर न जाने दे। जब उनकी अहलिया ने लोगों से कहा कि सब इंतजाम करके गए आपकी आंखें दोबारा आज के बाद, लेकिन इन्हीं अबू सर के बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अबू सर अगर तीन रहो तुम सफर में, दो रहो तो तुम अमीर बनने लगे, अमीर ना बनने क्यादत की सलाहियत तुम्हारे अंदर नहीं है। अब ये देखिए जो सलाहियत जिसके अंदर है वो तो हमारे यहाँ होते जब दिए जाते हैं, मस्जिद में ट्रस्टी बनाता है जिसके पास माल है उसको उठा कर बना दिया, जिसका थोड़ा सा दस माल इसके ऊपर बना दिया, इमाम में ऐसी सूरत है। क्या ऐसे संजीदा अफराद जो इदारों की तरबीज और तरक्की और इशान और कौम को फायदा पहुंचाने वाले तमाम के तमाम इकदाम को करने वाले हैं उन लोगों को बनाया हमने, अमानते हमने अहल लोगों के सुपुर्द की बड़ी है। ये जो फसाद नजर आ रहा है जो समाज और माशरे के अंदर हर जगह जब बिगाड़ नजर आ रहा है उसकी बुनियादी वजह और सबब ये एक जुमला है। अल्लाह ताला ने कहा जमीन में आदमी ने फसाद इंसानों ने फसाद बर्पा किया, फसाद यही है कि हम अल्लाह के बेहतरीन कवानीन को छोड़कर जब अपने कवानीन पर अमल करते हैं तो फसाद हर जगह हर जगह नजर आता है। अब एक कारोबार में खूब चला रहा है, अगर अमानतदारी से कर रहा है बहुत अच्छी बात है, सत्तर की करेंगे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया दो लोग जब पार्टनरशिप करते हैं और ईमानदारी से करते हैं तो तीसरा अल्लाह हो। हमारे यहाँ क्या हो अमानत उनकी अहल के सुपुर तो करो। आदमी के बेटे हैं, एक बेटा बहुत चालाक है कारोबार है लेकिन फरमा बरदार नहीं है, थोड़ा सा ढीला पतला मामला है उसका, बात इंतजार फरमा बरदार बेटे को सब दे देता है जिसके अंदर कारोबार इस रहेंगे। आप जिस काम को जिसको दे रहे हैं अमानत अमानत से चीजें, यह पूरा आपका कारोबार जिस पर आपका पूरा खानवाना टिका हुआ है, ये छोटी छोटी चीजों में हम इसको नहीं देखते। अमानतें उनके अहल के सुपुर्द करो जो उनके अहल है, अल्लाह ने इसका तारकीदी हुक्म दिया है। और ये अमानत इसलिए है कि पढ़े जाए नहीं, पढ़ना तो है सुने जाए नहीं, सिर्फ ये नहीं सुनना तो है पढ़ना सुनना अमल करना है। हम अगर अल्लाह ताला ने हमको किसी मकाम पर रखा है हम इंतहाई संजीदगी के साथ उसी पर अमल करें। कभी कभी आदमी कहता है कि भाई इलेक्शन में ये आदमी खड़ा हुआ है अगर इसको वोट कौन देगा, चार लोग आप गिन चार गए रिजल्ट और नतीजे की बात आपसे कभी नहीं की गई है शरीयत में। एक दाई से कभी ये नहीं कहा गया कि सब लोग इस्लाम कबूल किया आपके ऊपर 950 साल अगरते हुए इस्लाम ने मेहनत की आपका बेटा मुसलमान नहीं हुआ, हमको बताना है और अमल करना है। फिर इसी तरीके से लोग धीरे 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 आगे बढ़ते हैं लेकिन समाज और माशरे में जब अमल करने वाले खत्म हो जाएंगे तो बुराई बुराई नहीं रह जाती, खराबी खराबी नहीं रह जाती,
इसीलिए अमानतों में खयानत हमारे माशरे में हर जगह नजर आएगी, लेकिन इस पर पेशानी पे सिलवटे नहीं है, हमको बुरा नहीं लगता है। इसी जब ये चीज बुराई को बुराई माना जाएगा और उस पर बुरा जाना जाएगा तो उससे तब्दीली आएगी। अल्लाह ने कहा अल्लाह ताला तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है अमानत वालों की अमानतें उन्हें पहुंचाओ। अब दूसरी चीज जो कही है ये एक आयत है पूरे समाज और माशरे के ढांचे सीधा कर देने वाली, अंतः को मिला दो वैसा हकम तुम्हारे ना सकता हम को मिला दे, और जब लोगों का फैसला करो अदल और इंसाफ से फैसला करो। यह उसके लिए जो जज की कुर्सी पर बैठा हुआ है, ये उसके लिए है जिसके पास इजहार आते हैं, यानी इख्तलाफ और इंतशार के मामला उसके पास आते हैं और वो फैसला करता है इंसाफ के साथ फैसला करेगा। ये कितनी ज्यादा अहम चीज है कि इंसाफ के साथ अपनों के साथ फैसला करे आदमी, वरना खामोश है हट जाए। अल्लाह के रसूल ने इशारा फरमाया है कि वो काजी जो कुरान हदीस के मुताबिक फैसला करे वो जन्नती है, और जो कुरान हदीस के खिलाफ फैसला करे वो जहन्नमी है। हमारे यहाँ बड़ा तकलीफ दे मरला है, कभी कभी पंचायतों में बच्चों आजाद कहते हैं कि अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये जुमला कितना बड़ा है इसका अंदाजा नहीं होता है। अदलों के साथ फैसला करना अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहल लज़ीना आमनू कूनू क़वामीन बिल्क़िस्त शुहदा लिल्लाह वलौ अला अन्फुसिकुम अव लिलवालिदैन वल-अक़रबीन इन यकुन ग़नियन अव फ़क़ीरन लिल्लाह। अगर हक बात है इंसाफ कायम करना है तो अपने नफ्स के खिलाफ भी अगर गवाही देना है तो पीछे ना हटो, अपने खिलाफ कैसे गवाही का देगा। हमसे पूछा गया कि आपने ये काम किया, अगर किया और हमने कह दिया तो हमको नुकसान हो सकता है, लेकिन गवाही देना है तो हम अपनी नफ्स के खिलाफ, लेकिन अदल और सच्चाई का दामन न छोड़े, इंसान का दामन न छोड़े। कायम करने वाले बनो अदल को, अपने वालदैन के अब अपने माँ बाप के खिलाफ मुकदमा खड़ा हो जाएगा, और पंचायत बैठी है चचा ने सवाल कर दिया कि कैसे क्या तू ये बोल रहा है, ये तो पूरा बाप का माल था, ये तो हम लोगों ने मिल करके कहा। बेटा कहता बिल्कुल सही है चचा, सही है बात, सही है ये दोस्त किसी भी काम में। और आगे जाइए अपने वालदैन अपने करीबी रिश्तेदार विश्वास ताल्लुक नहीं देखना है, अल्लाह से हमारा ताल्लुक अल्लाह का हुक्म देखना है, दो चीजें आपस में। अल्लाह ने कुरान में कहा है कुलाना अबाउकुम अबनाउकुम इख्वानुकुम अज़वाजुकुम आशीरतुकुम वा अमवालुन तरथूहा, ये मोहब्बतें हैं उसमें कौन सी मोहब्बत को हम खाली करते हैं। अगर हमने अल्लाह के अहकाम पर अमल किया मतलब हमने अल्लाह के मोहब्बत को सारी मोहब्बत और रिश्तों पर खाली कर दिया। अब उसके बाद क्या कहा गया, चाहे कोई गरीब हो, अरे गरीब आदमी हमने गवाही दे दी तो इसका गरीब खत्म हो जाएगा, ये रहेगा कहाँ, इसकी रिहाइश का मसला है वो दूसरा मसला है। हम उसके लिए सवाल पे जो है अरे खैर हजरात तुम्हें मेहनत की थी, लेकिन यहाँ जो सही बात है वो कहिए, यहाँ सही बात आपको कहना। एक दौलत पर आदमी अगर इसके खिलाफ जाएंगे तो अब इसी की तो भीम चल रही है अपने कारखाने में, इसी का तो कारखाना में गिरने के बाद उनका चला मैं ये तो मुख्तलिफ पॉकेट में पैसा देता है, इतना बड़ा आदमी कभी ये नाराज हो गया तो ये सब नहीं सोच रहे। किसी की इमारत तुमको मुतासर ना करे, किसी की गुरबत मुतासर करे ना करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म। हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक औरत थी फातिमा बिन्त कैस, उसने चोरी की, बड़े दौलतमंद मखदूमिया फातिमा मखदूमिया बहुत बड़े कबीले और दौलत अंग्रानी, चोरी साबित हो गई, लोगों को बड़ा वो कि इतनी बड़ी खातून इतने बड़े घराने की इतनी इज्जतदार इसका भी हाथ काटा जाएगा, बस सारे बस सारे में तो बंद हुआ दिया और निजाम भी मात्र सफर का रखे अल्लाह चोर और चोरी का हाथ काट दो। तो हजरत जैद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बोले बेटे थे, और यही एक सहाबी है जिनका नाम कुरान में आया है हजरत जैद, इनको कहा गया कि अल्लाह के रसूल से कहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नरमी का मामला हो जाए। आप तक के जब ये बात पहुंची तो आपके चेहरे का रंग तब्दील हो गया, आपने कहा लोगों को जमा करो,
और उसके बाद आपने खुतबा दिया और कहा तुमसे पहले की कौम में ऐसी की हालात हुई कि जब उनका बड़ा जुर्म करता तो हल्की फुल्की सजाएं देते हैं, तो छोटा जुर्म करता तो पूरा कानून नाफिज करते। अल्लाह की कसम फातिमा बिन्त मोहम्मद ने भी चोरी की होती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मैं उसके हाथ काट देता। कानून और इंसाफ की तलवार इतनी ताकतवर होना चाहिए, उसकी धार इतनी तेज होना चाहिए कि उसकी इज्जत में आने वाली हर खतर कट जाए। कानून किसी की दहलीज पर जाकर दम तोड़ता नहीं है, कानून की दहलीज पर ताकतवर से ताकतवर शख्सियत उसकी पेशमान इंसान। अल्लाह ताला ने कहा है अब ये चीज अदल कायम करो, इंसाफ कायम करो। कभी हम किसी इदारे में जिम्मेदार हो सकते हैं, कभी हमारा अपना कारोबार है उसमें बहुत सारे मजदूर मुलाजमी कोई निजाम इंसाफ करें, बहुत अच्छा मजदूर है बहुत मेहनत करता है, अब ये हट जाएगा तो क्या होगा ये सब नहीं सोचता है। हमारे घर के अंदर है एक लड़का ज्यादा कमाता है कम कमाता है, बहू का मामला है बेटी का मामला है हम अदल कायम करते हैं, बेटी की तरफ हमारा झुकाव है बीवी की तरफ हमारा झुकाव है, ये बहू की तरफ किसी की तरफ नहीं होना चाहिए। जो इंसाफ की बात है जो हक की बात है ये आजमाइश होती है आदमी की, बेटे और बेटियों का मामला है हम अदल करते हैं इंसाफ। अल्लाह ताला ने क्या कहा जब लोगों का फैसला करो अदल और इंसाफ से करो। पंचायत बैठी दामाद ने शिकायत की, बिल्कुल सही शिकायत है बेटा ये दूर कर ये है इंसाफ, ऐसा तो हो जाता है ये वजाहत ये सब नहीं करना है पर अपना मामला है तो पकड़ने में क्या ना, अगर ये हमारे अंदर आ गया समाज और माशरा इंसाफ से भर जाएगा। कोई शख्स अपने हक के लिए तड़पे का नहीं तरसे का नहीं बल्कि उसको मालूम है जब मैं लोगों के सामने अपने मामला लेकर जाऊंगा इंसाफ के साथ अदल करने वालों की तादाद है इस समाज में कदम कदम पर मेरे साथ हक और इंसाफ का मामला है या हमारे साथ भी मामूली चीजें नहीं, इससे अमन होगा लोगों को हुकूम मिलेंगे सब कुछ होगा। यकीनन वो बेहतर चीज है जिसकी नसीहत तुम्हें अल्लाह कर रहा है इन्नल्लाह नेमा याइश बहुत अच्छी चीज है। एक मरतबा इसका तजुर्बा तो करके देखो, एक मरतबा इस पर अमल करके तो देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक मरतबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का की तरफ आप आए तो मक्का से बाहर मक्का के गवर्नर को पाए तो आपने पूछा अपने पीछे किसको छोड़कर आए हो मक्का का निगरान कौन है, गवर्नर ने जवाब दिया जिनका नाम बताया वो गुलाम थे आज़ाद किए गए तो कहा तुमने आज़ाद करता गुलाम को लोगों को पर आखिर बना दिया कहा वीर मोहन कुरान का सबसे ज़्यादा जानने वाला है तो आपने साथ हमारे बिल्कुल सही सबसे ज़्यादा कुरान का जानने वाला कुरान का जानने वाले का मतलब अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं हम लोगों में से अगर किसी को 10 आयतें याद होती तो मतलब ये कि उन आयतों का शान नुज़ूल मालूम रहता था और उस पर अमल। कुरान को जानने वाला सबसे ज्यादा कुरान पर अमल करने वाला फौरन दलील को कुरान फौरन कोई हुक्म देते वो अल्लाह ने कुरान दिया तो लोगों को अमानत अहल के सुपुर्द करो अदल और इंसाफ से और ये बेहतरीन चीज है बेहतरीन समाज माशरा और बेहतरीन इंसान की तरबियत के लिए ये उसूल है। मैंने इससे पहले भी कहा हमारे घर में प्रोग्राम चलाते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शख्सियत साजी आपकी शख्सियत बेहतरीन कैसे हो वल्लाह आप कुरान पढ़िए एक नंबर की शख्सियत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत आयशा से किसी ने पूछा आपका इखलाक क्या था, इखलाक बोले तो सब मामला एक जुमले में आपने कहा क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा डिप्रेशन का इलाज किसने हर चीज का इलाज बेहतरीन शख्सियत निकल जाएगी। अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया अब ये देखिए आयत का आखिरी जुमला इन्नल्लाहा कान समीअन बसीरा बेशक अल्लाह तआला सुनता और देखता है तो सुन रहा है तुम क्या कानो को सीख रहे क्या तुम्हारा अंदर अंदर चल रहा है और वो देख भी रहा है तुम जो कर रहे हो। तो ये चीज अगर आदमी के दिमाग में बैठ जाए कि मैं जो मामला कर रहा हूँ मामला मेरा और इसका नहीं है मेरी आखिरत का और मेरा अल्लाह का। एक मशहूर वाक्य हजरत अबू मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद के अलावा है, क्योंकि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये काफ़ी करीब थे। उन्हीं का मामला है कि उनके अहलिया ने उनसे कहा, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, कि क्या मैं आपको सदका दे सकती हूँ? तो अल्लाह के नबी से पूछ कर आप कहा, मैं नहीं कहूँगा सदका, गैरत आई आपको? जब आपकी अहलिया आई तो वही एक अंसारी खातून और खड़े भी थे, हज़रत आयशा को दे, तो उन दोनों ने पूछा कि बीवी अपने शौहर को सदका दे सकती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, और इसका डबल अज्र है, करीबी रिश्तेदारों में देना सदका, करीबी रिश्तेदारों में देना इसका डबल अज्र है, एक सदके का और दूसरा सिला रहमी का। इसलिए जब भी सदका की तफसील का मामला हो तो सबसे पहले देखना चाहिए हमारे रिश्तेदारों में कौन कौन से, यहाँ से शुरू करना चाहिए। पड़ोसियों के भी बारे में कहा गया है, तो अल्लाह के नबी से पूछा गया, दोनों तरफ पड़ोसी है तो आज इसका दरवाजा करी। और ये जो हम मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, इनके पास काफी एक मरतबा ये अपने गुलाम को मार रहे थे, देखिए, समीअ बसीरा, अल्लाह सुनता और देखता है, क्या फर्क? जब अल्लाह के सामने बंदा अपने आप को रखता है तो फर्क क्या पड़ता है ना, उसकी शख्सियत बिल्कुल बदल जाती है। ये अपने गुलाम को छड़ी से मार रहे, लकड़ी से, कुछ गलती की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक जुमला कहा था, एक जुमला, आपने इरशाद फरमाया, अबू मसूद, जितना गलबा और इख्तियार तुम इस गुलाम पर रखते हो, इससे कहीं ज्यादा गलबा और इख्तियार अल्लाह तुम पर रखता है। आपने छड़ी भौर में फेंक दी, गुलाम से माफी मांगने लगे, क्यों? अभी ये जुमला कहने से पहले मामला हजरत अबू मसूद और गुलाम का था, आका और गुलाम का। अल्लाह के नबी ने जब कहा कि अल्लाह, अभी अपने सामने अपने आप को अल्लाह के सामने खड़ा पाया इन्होंने, कि जब अल्लाह हमसे पूछे घर में जा रहे तो हम लोग जब किसी से मामला करें तो ये ना समझे ये मेरा और उसका मामला है, कि अल्लाह ने एक आमान दिया इसके खिलाफ वर्जी भी तो अल्लाह का मंजूर है, याद रखिए। और ये मरतबा जब हमारे जहन दिमाग में बैठ गया, बस समझ गई थी हमारी जिंदगी में इनकलाब आ गया, हम लोगों के लिए उसवा हो जाएंगे, हम लोगों के लिए नमूना हो जाएंगे, अल्लाह यही बताना चाहता है। बड़ा मशहूर वाक्य है हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु, सुनता और देखता है, ज़कात जमा, अरे ये जमा करने के लिए, ज़कात जमा करने के लिए यहूदियों के यहाँ उन लोगों से जो फितिया लेना था, मुआहिदा था, उसके लिए गए। यहूदी कौन? साजिशी, जराइम, प्लानिंग। आप दुनिया में देखिए जो बड़ी बड़ी तहरीकें मिलेगी आपको, हिप्पी तहरीक, अहाइयत की तहरीक, फिर उसके बाद सिक्स की जो तहरीक है, फाइव वगैरह को पढ़िए, ये सारे आपको यहूदी मिलेंगे, जबनिज्म की बड़ी बड़ी जो घुमराह फैली थी उसके बाली, जो लोगों के दरमियान इस तरह भी काम करते हैं जैसे मुसलमानों के दरमियान मुसलमान मुसलमान न रह जाए, यहूदी भी बनाएंगे लेकिन मुसलमान को मुसलमान न रहने देंगे, ईसाइयों को ईसाई का रहने देगा, शराब इनके आज भी ईसाइयों के यहाँ जो आज हर घर में है, सुअर का गोश्त, ये तमाम चीज़ें जायज हैं, लेकिन ईसाइयों को ऐसा कर दिया, बड़ी बड़ी तहरीक है, साजिशी है लोग शुरू से, अल्लाह के नाजिल करता है काम में, शनिचर के दिन मछली न पकड़ो तो जुमेरात को जाल लगा कर सके, इतवार को खींच रहे, कुछ ना कुछ है। तो जब ये गए उसे लाने के लिए तो उन्होंने क्या किया, कुछ बकरियाँ पहले अलग से निकाली, अब हम निकाल देते हैं। इतना प्यारा तारीखी जुमला कहा था, ये आयत पर अमल, ये शख्सियत ऐसे बन गई, आपने साथ समाया था, अगर उन जुमलों को सोने से लिखा जाए तो उसकी कीमत नहीं अदा होगी। आपने कहा, सुनो, इस आसमान के नीचे और इस जमीन की पीठ पर मैं किसी से उतनी मोहब्बत नहीं करता, अपनी जान से भी, अपने माँ बाप से, जितनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किसी से इतनी नफरत नहीं करता जितनी तुमसे, क्योंकि तुम अंबिया के हाथ, अल्लाह के हाथ। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और तुम्हारी दुश्मनी मुझको इंसाफ से नहीं हटाएगी, मैं इंसाफ पैदा होने छोड़ू, ये शरान कामिन अला अल्लाह का हमें
किसी कौम की दुश्मनी तुमको आदत और तकवे से दूर न कर दे, वो एक अलग चीज़ है। हमारा और आपका एक खिलाफ, लेकिन हम इंसाफ का नाम नहीं, हम इंसाफ का नहीं। ये अल्लाह ताला सुनता और देखता है, दिमाग पर बैठ जाए ना तो फिर इसको कभी नहीं छोड़ेगा आदमी। या यूल आवाती हो रसूल फर्मामरदारी करो अल्लाह ताला की, फर्मामरदारी करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तुम में से जो उलुल अम्र होंगे। फिर अगर किसी चीज़ में इख्तलाफ हो तो इसे लौटाओ अल्लाह ताला की तरफ, उसके रसूल की तरफ। अगर तुम्हें अल्लाह ताला पर और कयामत के दिन पर ईमान है, ये बहुत बेहतर है, बेतबार अंजाम के बहुत अच्छा है। समाजी के साथ साथ मज़हबी तमाम उम्र इसमें मस्जिद पर तर्जुमा करके एक एक जुमला कह दूँगा, वक्त बहुत हो चुका है। वरना हमारे जितने भी मसलकी गिरोही इलाकाई झगड़े हैं उसकी कुंजी है यह कुंजी, अगर हम हल करना चाहें तो। क्योंकि देखिए एक बात है, हमारे यहाँ आमतौर से पंचायत वगैरह भी बैठती है, मैं तो आमतौर से कहता हूँ मियाँ बीवी का अगर इख्तलाफ हो या किसी का, तो मैं कहता हूँ कि भाई हम लोग कुछ नहीं, हम लोग समझा करके चले गए, इख्तलाफ का ख़त्म होगा। जानते हो जब आप लोग अपना रवैया जो गलतियाँ हैं वो दूर कर दो, अपने खुद की तब्दीली अगर तुम नहीं करोगे तो फिर आकर बैठना है, फिर तुम्हारा झगड़ा रहेगा। तुम खुद जब बदलोगे तो जब जाना गलत है वो छोड़ देवे गलती, जिसको गलत फहमी हो गलत फहमी दिल से निकाल दे, मामला खत्म हो जाता है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो फार्मूला दिया, हमारे दरमियान कितना इख्तलाफ है, कुरान मौजूद है, हदीसें मौजूद है, क्यों नहीं हल होता है? इस फार्मूले को हमने इस्तेमाल नहीं किया। सहाबा इकराम के दौर में देखिए इख्तलाफ हुआ, एक एक मिनट में इख्तलाफ खत्म, एक एक मिनट में। पहला मामला अल्लाह के नबी की वफ़ात पर पहला इख्तलाफ क्या हुआ? पहली बात तो ये, क्या आपकी वफ़ात ही पर इख्तलाफ हुआ? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने कहा तलवार निकाल लिखा मार दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे दूर पर गए थे वैसे गए। अगर कोई कहेगा कि अल्लाह के रसूल इस दुनिया से रुखसत हो गए तो पान ना किसी को बोलने के लिए नहीं, गम से ऐसी कैफियत सहाबा इकराम की, ऐसी कैफियत गम में ऐसे डूबे हुए हैं बिल्कुल अजीब। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक आयत पढ़ी कुरान की, वमा मुहम्मदुल्लाह रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अबा इन मा ताओ इनकलब तुम अला आक़ाबिह। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं शायद के सुनने के बाद उनको लगा मेरे पैरों में ताकत नहीं रही, मैं बैठ गया। किसी ने नहीं कहा ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारी मिसाल मूसा की तरह, मेरी उम्मत में अगर कोई शख्स ऐसा है जिसकी जबान वहियों की जबान के मुताबिक हो जाए वो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। सात मकामात ऐसे हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के नबी को मशवरा दिया और रब ने आसमान से जिब्राइल को भेज कर तायीद किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु शख्सियत है, लेकिन यह सबसे बड़ा कलाम इलाही, यह सबसे बड़ा अल्लाह का कलाम है। एक आयत आई खत्म। हमारे यहाँ उनको नहीं समझता है, इतने बड़े फकीर उसको ज़्यादा समझता, उसको नहीं समझता है कलाम इलाही कलाम नबी। हम शख्सियत डाल देते हैं आगे है, रुकावट क्यों होती है, हम रुकावट क्यों होती है, मामूली चीज़ें नहीं। मैं इंशाल्लाह उसकी तफसीलात बताऊंगा, सिर्फ अभी तर्जुमा पढ़ देता हूँ। ये बड़ा अहम मामला है, हमारे मिजाज और इख्तलाफात क्यों ख़त्म नहीं होते और अल्लाह ताला ने ख़त्म करने का कितना बेहतरीन रास्ता बताया। ऐ ईमान वाले फरमाबरदारी करो अल्लाह की और अति कलक से जो है अल्लाह और उसके रसूल के साथ है। फिर उसके बाद क्या कहा गया, वो उलिल अम्र मिनकुम, जो तुम में अमीर और बड़े हैं, या अतीउ नहीं कहा इनकी भी बात, क्योंकि अगर इनकी बात मानोगे तो इतिहास इतफाक रहेगा, गाड़ी चलेगी। अगर अमीर की इतिहास नहीं करोगे तो गाड़ी कैसे चलेगी?
लेकिन इनकी इताअत कैसे करना है, हर बात मान लेना है ना। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपने अमीर की इताअत के हुक्म दिया, एक मकाम पर अल्लाह के नबी ने सहाबा इकराम को भेजा, किसी वजह से उस टुकड़े के जो अमीर थे वो नाराज, उन्होंने कहा नकली जमा कर, नकली जमा की कहा आग जला, आग जलाई कहा इससे पूछो, सहाबा ने कहा इसी से बचने के लिए तो ईमान लाए, अब इसी में कूदे अल्लाह के नबी के पास जाएंगे क्या। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, आपने इशारा फरमाया अगर कूद जाते तो जलते ही, हर चीज नहीं मानना जो रसूल की और अल्लाह की बात के मुताबिक हो फिर वही मानना है। हमारे यहाँ की यही मसला है, इमामों को लाकर हमने बिठा दिया, उलमा को लाकर बिठा दिया, अच्छा मिनकुम कलम जो तुम में फिर इंशाल्लाह मैं आपका बताऊंगा, फिर अगर किसी चीज़ में इख्तलाफ हो तो उसे लो आप इससे इख्तलाफ करेंगे, अल्लाह उसके रसूल से कर सकते हैं क्या, यहाँ तो ईमान ही खत्म हो जाएगा। वो किससे अमीर से इख्तलाफ, अब क्या करें, अमीर की इताअत भी और इख्तलाफ भी, इख्तलाफ अगर हो तो अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ लौटाओ, फैसला वहाँ हो, फैसल वो है ये फैसल नहीं। अगर देखिए कितनी प्यारी बात, ये इसके साथ क्यों जोड़ा गया मैं इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा, अगर तुम्हारा अल्लाह और कयामत के दिन पर ईमान है बहुत बड़ी शक्ल अल्लाह को मानते ईमान है, अल्लाह ने झगड़े का हल बताया, कयामत क्यों कहा गया, इसके साथ क्यों जोड़ा गया, कयामत खालिस अल्लाह की रजा खुशी, अल्लाह के नबी ने कहा ऐसा कोई शख्स जन्नत में नहीं जाएगा अपने अमल की वजह से इल्ला ये कि अल्लाह उस पर रहम फरमाए। अल्लाह के नबी हजरत आयशा ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या आपने कहा, हाँ मैं भी, मुझे उम्मीद है अल्लाह उस पर रहम फरमाएगा। ये अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह पर अगर ईमान है अल्लाह की बात रद्द करके कयामत की कामयाबी है, अल्लाह के अहकामात को छोड़ करके जिसके सामने कयामत का मंजर होता है तो अल्लाह की रजा उसके नजदीक सिर्फ है, सत्य है, सारी चीज़ों को अल्लाह की रजा पर कुर्बान कर देता है इंशाअल्लाह इंदा। अल्लाह ताला कहता है बहुत बेहतर है अगर तुम ईमान वाले हो अल्लाह और कयामत पर ईमान, और अंजाम के एतबार से बहुत अच्छा है, इसका अंजाम क्या होगा अल्लाह और आखिरत में इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, इत्तेहाद और इत्तेफाक का और इंतजार का नुकसान क्या होगा, थोड़ी सी तफसील इंशाअल्लाह इंदा आपको बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि ऐ रहीम करीम रब, अरे हिदायत देने वाली साथ रब्बुल आलमीन तेरे कलाम की आयतों को पढ़ने के साथ साथ उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिस करने और उस पर अमल करने की तौफीक दे, तू ही हिदायत देता है तू ही अमल की तौफीक देता है, रब्बुल आलमीन हिदायत दे अमल की तौफीक दे हमारे कुलूम को जमा दे रब्बुल आलमीन ईमान पर, अल्लाह तेरे कलाम की आयतें और तेरे नबी की हदीस को हमारा किरदार अमल बना दे, हमारा खात्मा ईमान पर फरमा, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना वा हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अन्तर वहाब, सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अन्ता अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक।